और पूजा के दौरान 21 बेनी पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर मैं पतिदेव को शरबत पिलाती हूँ। कहा जाता है शरबत इसलिए पिलाया जाता है कि नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये रही हमारी आईडी, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सभी से ढेरों बातचीत करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, यह ब्लॉग है वट सावित्री व्रत पर। जिया की पहली वट सावित्री व्रत। पहले हम सोच रहे थे कि इस वीडियो को डाले या नहीं डाले, फिर हमने क्या किया कि इंस्टाग्राम पर एक पोल कर लिया स्टोरी पर, तो उसमें से कितने 89% लोगों ने बोला कि आप ब्लॉग डालो। तो जी हम यह ब्लॉग डाल रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से एक एक डिटेल सब कुछ जैसा था वैसा आपको बता रहे हैं। तो जी उम्मीद करते हैं आपको यह देखने में काफी मजा आएगा। जब बात हो व्रत की तो वहाँ पर प्रसाद का चर्चा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है जी। इसलिए हमने वीडियो का जो सबसे पहला दृश्य चुना है दिखाने के लिए, वह है जी यह प्रसाद की तैयारी। जो भी पूर्वांचल के होंगे उनको तो मालूम चल गया होगा कि क्या प्रसाद बन रहा है यहाँ पर। जी हाँ, जिनको नहीं भी मालूम है तो बता दें, तो यहाँ पर बन रहा है जी ठेकुआ, बहुत प्रसिद्ध है हमारे इधर। इधर ठेकुआ बन रहा था और उधर देखिए जिया क्या करवा रही थी। किसी भी पर्व त्यौहार में मेहंदी लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं मेहंदी लगवा रही हूँ अपनी फ्रेंड से। इधर जिया मेहंदी लगवा रही थी और उधर ससुर जी पूरा मिठाई भर भर के ले आए थे जी। मिठाई की तो यह थोड़ी सी झलक है, और भी मिठाई थी। हमारे यहाँ पहला जो वट सावित्री होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लगभग शादी के इतना ही, और पकवान इतने बनाए जाते हैं कि पूरे गांव में बट सके, जिया के भी गांव में और मेरे भी समाज में। अरे आप क्या बोल रहे थे, थोड़ी सी मुझे पहले खाने दे दो फिर प्रसादी में चढ़ाना। हाँ जी, प्रसादी खाने का तो बहुत मन करता है, सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है, लेकिन खा नहीं सकते जी पूजा से पहले। इधर मेरी बुआ सास पूरा पूजा का सामान जो है एक जगह अरेंज करके रख रही है, ताकि जब पूजा का समय आए तब पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं आए और ना ही कोई सामान ढूंढने में कोई भी परेशानी हो। और जी दूसरी तरफ हमारी बेटी की शादी की तैयारी चल रही होती है। अरे आप सोच रहे होंगे कि इनकी तो शादी एक साल पहले ही हो गई और बेटी भी हो गई और इतनी जल्दी बड़ी भी हो गई और इनकी शादी भी हो रही है। तो जी बात यह है कि जिनका भी पहला वट सावित्री होता है तो उसमें एक गुड़िया लाया जाता है, तो जी उस गुड़िया को जो है हमारी बेटी कहा जाता है, और साथ में जो गुरबा होता है उस गुरबा को हमारा दामाद कहा जाता है। तो यही बात हमने टिकटॉक पर भी डाला था कि आप हमारी बेटी की शादी यूट्यूब पर जा करके देखिए। सभी लोग ऐसे ही शॉक्ड हो गए थे कि क्या बोल रहे हैं यह, और वह वीडियो जो है लगभग 5 मिलियन व्यू चला गया था। तो जी असल में बात यही है, हमारी बेटी जो बोलने का जो कंसेप्ट है वो यही है। और देखिए जी यहाँ पर बुआ सास कितने अच्छे से सजा रही है, और इसकी शादी की जो तैयारी होती है, इनका जो विधि और जो नियम होता है शादी करवाने का, ठीक उसी तरह होता है जैसे हम लोग का होता है, जैसे एक हम लोग जो मनुष्य हैं हम लोगों का होता है। और इस गुड़िया के लिए, इस दुल्हन के लिए एक पालकी भी तैयार किया गया है, और वह पालकी भी काफ़ी अच्छे से सजाया है इन्होंने। अभी दिखाता हूँ मैं आपको वो पालकी। ये देखिए जी पालकी, इस पालकी में दुल्हन को रख दिया गया, अंदर से लाइट ऑफ है। और आप लोग बताइए कैसा लगा यह पालकी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब पालकी तैयार हो गया, पालकी तैयार होने के बाद बारी आती है माँ के सजने की बारी। जी हाँ, माँ मतलब यहाँ जिया। मेरे पैर में आलता लग रहा है, जो भी सुहागन रहती है शुभ माना जाता है पैर में लगा। और जिया तो दूर की बात है, मुझे भी नहीं छोड़ा गया, मुझे भी नेल पॉलिश लगा दिया गया, पैर में अलता लगा दिया गया। वैसे भी जब ससुराल में आते हैं तो कोई व्रत या त्यौहार हो, कोई पर्व हो, तो उस टाइम मुझे भी रंग दिया जाता है। और दूसरी तरफ बुआ मिट्टी से नाग नागिन तैयार कर रही है। कि असल में वट सावित्री जो व्रत है इसी नाग नागिन की कथा पर आधारित है, जो इस वीडियो में तो नहीं बता सकते वरना वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। कभी कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बना दें। फिर जी जब सारी पूजा की तैयारी हो गई तो हमारी जिया सज धज कर निकल पड़ी पीछे के बगीचे की तरफ। उसी बगीचे में बरगद का पेड़ है, और जी वट सावित्री की जो पूजा है उसी बरगद के पेड़ के नीचे होती है। और जिया जब वहाँ से जा रही थी घर से बगीचे तक,
तो जिया की क्या हालत थी, जिया खुद बताएगी। एक तो इतनी हैवी साड़ी, ऊपर से मेरा बिछिया जो था पैर का वो बार बार निकल जा रहा था, और ऊपर मुझे वो मटका जो था उसको पकड़ने में साड़ी नहीं संभाल पा रही थी, तो मेरे सोच रही थी साड़ी संभालेगी मटका संभालेगी। हाँ, तो इस वजह से मेरी पूरी हालत खराब थी जी। फिर पूजा की शुरुआत होती है, और पूजा के दौरान 21 बेनी पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, और यह प्रसाद जिसको जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया है अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी पूजा करते हैं, सारे प्रसाद के आइटम रखते हैं। और जिनको भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बेनी क्या बोल रहा हूँ, बेनी क्या है जी, असल में बेनी हाथ वाला पंखा है जो बांस की लकड़ी से बनता है। फिर नाग नागिन की पूजा होती है, नाग नागिन को दूध लावा चढ़ाया जाता है। फिर गौरी माता की पूजा होती है, गौरी माता को पूजने के बाद इस व्रत को क्यों किया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इन सब का एक कथा सुनाया जाता है। यहाँ जो सफ़ेद साड़ी में आपको एक लेडी दिख रही है, वही हमारी पंडिताइन है, वो कथा सुना रही होती है, और इस कथा को सुनने के लिए सभी सुहागिन औरतें वहाँ बैठी होती हैं, खास करके वो सुहागिन औरतें जो वट सावित्री का व्रत रखी होती है। और ये कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है, और ये कथा जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और इस कथा पर ही आधारित है ये वट सावित्री का व्रत। और कथा जैसे ही खत्म हो जाता है, कथा के समापन के बाद बारी आती है अगली विधि की। अगली विधि के दौरान जो बरगद का पेड़ है उसके फेरे लगाए जाते हैं, बरगद के पेड़ से गला मिला जाता है, बरगद के पेड़ को पंखा झेला जाता है। जी हाँ, वही पंखा उसी बेनी से झेला जाता है जी। जी कुछ कुछ पार्ट जो मैं बता रहा हूँ वह तो आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी साली साहब पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, इस कारण शूट नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा जी। और जैसे ही यह सब हो जाता है, इसके बाद बारी आती है हमारी बेटी की शादी की। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, गुड़वा गुड़िया की शादी ठीक उसी नियम से होते हैं जिस नियम से हमारी शादी हुई होती है, वही सिंदूरदान, वही फेरे, वही कन्यादान, और वही लोकगीत। जी अभी मैं आपको सुनाता हूँ लोकगीत जो भी हमारी सासू माँ यहाँ पर गा रही हैं। तो जी कैसा लगा आपको हमारा लोकगीत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नहीं समझ पाए हों, लेकिन जो भी पूर्वांचल के हमारे साथी हैं, उम्मीद है कि शायद वो तो समझ गए होंगे, और ख़ास करके जो हमारे क्षेत्र से हैं वह तो बिल्कुल समझ गए होंगे जी। ये जो आपको पंडित जी के बगल में एक लड़का दिखाई दे रहा है, ये मेरे अंकल का बेटा है, और जब इसको पता चला था कि गुड़िया की शादी यही करवाएगा और गुड़िया का मामा यही बनेगा, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि गुड़िया की शादी मैं करवाऊँगा। और जब इसको दिन भर भूखा रहना पड़ा और हवन का धुआं झेलना पड़ा, तो इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो ये कह रहा था कि अब मैं दोबारा पूजा पर कभी नहीं बैठूंगा, बेचारी की इतनी हालत ख़राब हो गई थी जी। ये तो रही हंसी मजाक की बात, लेकिन इतनी कम उम्र में इसने हिम्मत कर ली हवन पर बैठने की, ये तो तारीफ के काबिल है। हाँ जी जी, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें गुड़िया को ला करके उससे फेरे लगवाए जा रहे हैं आम के वृक्ष में, उसके बाद सिंदूरदान होता है, सिंदूरदान होने के बाद जितनी सुहागन होती है वो गुड़िया को सिंदूर लगाती है। और यहाँ पे जितनी भी मेरी दादी हैं, बुआ हैं, चाची है और मम्मी, सबको गुड़िया को सिंदूर लगा रही हैं। फिर जी जब पूजा ख़त्म हो जाता है, जो मैंने प्रसाद चढ़ाया होता है 21 बेनी पर, वो सारी सुहागनों में बांट दिया जाता है। बेटी की शादी पूरा होने के बाद फिर हम लोग घर लौट आते हैं, और घर लौटने के बाद व्रत का जो आखिरी चरण रहता है उसे पूरा करना होता है। फिर मैं अपने पति देव के पैर धोती हूँ पानी से, फिर तौलिए से पैर पोंछ देती हूँ, फिर पैर छू कर आशीर्वाद लेती हूँ, फिर मैं पति देव को शरबत पिलाती हूँ। कहा जाता है शरबत इसलिए पिलाया जाता है कि पति का हृदय हमेशा ठंडा रहे और उनका प्यार हमेशा हमारे लिए बना रहे। और जी जिया जो मुझे शरबत पिला रही थी, उस शरबत के क्या कहने, उस शरबत में पानी कम चीनी ज़्यादा, और उसके बाद जो पंखा मुझे झेल रही थी, इतना तेज पंखा झेल रही थी जैसे लग रहा था मुझे उड़ा देगी। बहुत बढ़िया। तो जी कैसा लगा आपको हमारा वट सावित्री व्रत का ब्लॉग? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में,
बाय बाय।